उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर बढ़नी हाईवे पर बारातियों को ले जा रही एक जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की टक्कर में एक दंपति सहित 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि दुर्घटना में घायल हुए 2 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं एक को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुजरात में मोडासा जिले के आलमपुर गांव के पास आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां 2 ट्रक और एक कार के बीच एक्सीडेंट हो गया, जिससे 3 वाहनों में आग लग गई। घटना में 3 वाहनों के अंदर 6 लोग फंसे रह गए और जिंदा जल गए। वाहनों में लगी आग को काफी देर तक बुझाया नहीं जा सका था। अब तक की सूचना के अनुसार एक ट्रक का क्लीनर, दूसरे ट्रक का ड्राइवर व क्लीनर व कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक कार का ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हैं। उन्होंने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि भारत में लोकतंत्र वैश्विक सार्वजनिक भलाई है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल भारत अच्छी स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मिट्टी का तेल फैला दिया है। वहीं भाजपा ने कहा कि देश में भारत को बदनाम करना गांधी परिवार का असली चरित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर एक और दाग लगा है। इसके कसूरवार खुद पुलिस वाले ही हैं। दरअसल 19 मई को अलीगढ़ थाना के मालखाने से चोरी हुए 25 लाख रुपए के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पुलिस ने 20 मई को ही आरोपी युवक को थाना ताजगंज क्षेत्र से पकड़ा था। बताया जाता है कि आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस रात भर उससे पूछताछ करती रही। रकम रिकवरी के दौरान चोरी के आरोपी युवक की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक ऐसी सरकारी स्कूल है जो पिछले 5 सालों के बोर्ड परीक्षा में लगातार 100% परिणाम लेकर छत्तीसगढ़ में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। शिक्षक एवं बच्चों की माने तो छुट्टी के दिनों में भी कक्षा संचालित होने की वजह से 10वीं कक्षा में पिछले 5 सालों और 12वीं कक्षा में पिछले 3 सालों से लगातार 100% परिणाम हासिल हो रहे हैं। यही नहीं, इस स्कूल में पिछले 3 सालों से 12वीं के सभी छात्र छात्रा प्रथम श्रेणी में ही पास हो रहे हैं, जिसकी वजह से जिले भर में उनकी सराहना हो रही है। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। सन 1991 में आज ही के दिन आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वीरभूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुटखा और पान मसाला जैसी चीजों को प्रमोट करने के कारण सोशल मीडिया पर खूब आलोचना झेल चुके 4 बॉलीवुड स्टार्स अब बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह के खिलाफ पान मसाला और गुटखा को प्रमोट करने के सिलसिले में बिहार की एक कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। यह केस मुजफ्फरपुर बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना हाशमी ने दर्ज कराया है। मणिपुर में शुक्रवार को थौबल पुलिस अधीक्षक जोगेश चंद्र हाउबीजाम के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने माकाक मायूम बहरुल इस्लाम नामक शख्स के घर में छापेमारी की। उसके घर में एक बालू से लदे ट्रक में पुलिस ने छानबीन कर कफ सिरप से भरी 25 बोरियां बरामद की। इसमें 8,812 बोतलें पाई गई। पुलिस ने तुरंत माकाक मायूम को गिरफ्तार किया और जब्त सामग्री के साथ लिलोंग पुलिस थाने को सौंप दिया। असम के करीमगंज जिले में सीमा शुल्क विभाग ने मुबारकपुर में तलाशी अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक ट्रक से 525 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इसकी कीमत 80 लाख रुपए आंकी गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय और भारतीय तटरक्षक बल ने लक्षद्वीप में हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी है। टीमों ने 2 जहाजों में संयुक्त रूप से जांच की तो 218 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1526 करोड़ रुपए है। कानपुर में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की दबंगई का वीडियो सामने आया है। यहां टिकट के पैसे मांगने पर एक ट्रैफिक हेड कांस्टेबल ने पहले तो कंडक्टर को मारा, फिर वीडियो बना रहे सिपाही को लात मार दी, जिससे उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वहीं घटना के तुरंत बाद कार्यवाहक डीसीपी ट्रैफिक BBGTS मूर्ति ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। बंगलुरु के आउटर रिंग रोड में एक भीषण सड़क दुर्घटना की वीडियो ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तीव्र गति से एक कार सड़क किनारे पैदल चल रहे राहगीरों के एक समूह से जा टकराई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। घटना वनशंकरी में काथरी गुप्पे जंक्शन के पास की है। कार चालक की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, वहीं मृतक की पहचान रुद्रप्पा के रूप में हुई है, जो शिवम मोगा के निवासी थे। हादसे के तुरंत बाद तीनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रुद्रप्पा की मौत हो गई।
दुनिया भर में इस वक्त फ्रांस में आयोजित हो रहे कांस फिल्म फेस्टिवल की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन कांस में रेड कार्पेट पर उतरी एक महिला अचानक से तब सुर्खियों में आ गई जब वह यूक्रेन युद्ध का विरोध करते हुए यूक्रेनी झंडे के रंग में रंगे अपने शरीर को स्टॉप रेपिंग अस शब्दों के साथ रंग कर पहुँच गयी। सुरक्षा गार्डों की नजर पड़ने से पहले यह महिला सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी थी। महिला के इस विरोध की वजह से कांस फेस्टिवल के पहले से निर्धारित इवेंट भी बाधित हुआ। कांस 2022 में दिग्गज कलाकारों के रेड कार्पेट लुक की चर्चा हर तरफ छाई हुई है। इस बीच असम के लिए एक गर्व की खबर है। टॉप मॉडल यूके की विजेता और मिस फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल मॉडल इंग्रिडा इल्गिन ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में असमिया डिजाइनर संयुक्ता दत्ता द्वारा बनाए गए असम सिल्क गाउन में रेड कार्पेट पर वॉक किया। रेड गाउन में बोल्ड लेकिन सिंपल लुक में इंग्रिडा बेहद खूबसूरत लग रही थी। बता दें कि इससे पहले भी 2019 में मॉडल इंग्रिडा ने काले रंग की संयुक्ता दत्त क्रिएशन में रेड कार्पेट पर वॉक किया था। असम की डिजाइनर संयुक्ता दत्ता ने ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने के साथ असमिया हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर की श्रेणी में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। पॉपुलर सिंगर कनिका कपूर शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गई है। उन्होंने करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के बीच लंदन के 5-स्टार होटल में गौतम के साथ 7 फेरे लिए। सिंगर की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनमें कनिका पीच कलर लहंगा पहने दिख रही है। वहीं गौतम भी कनिका के लहंगा से मैच करते हुए पेस्टल शेरवानी में नजर आए। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 सीजन के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। राजस्थान में खेल रहे गुवाहाटी के रहने वाले 20 साल के युवा प्लेयर रियान पराग ने इस सीजन में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह रिकॉर्ड बैटिंग या बॉलिंग में नहीं बल्कि फील्डिंग में बनाया है। दरअसल रियान एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा 15 कैच लेने वाले भारतीय फील्डर बन गए हैं। उन्होंने रोहित और जडेजा का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले दोनों ने एक सीजन में 13-13 कैच लपके थे।